गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर, चैप्टर 8, रिस्पेक्टिंग रीजनल डिफरेंसेस। रिस्पेक्टिंग मीन्स किसी की रिस्पेक्ट करना, और रीजनल डिफरेंसेस मीन्स वी ऑल लिव इन अ डिफरेंट रीजन्स। हम जो अलग अलग रीजन में रहते हैं, लाइक कोई नॉर्थ में रहता है, कुछ लोग साउथ में रहते हैं, कोई ईस्ट में रहते हैं और कोई वेस्ट साइड में रहते हैं। ठीक है, तो जितने भी सभी का क्या है, अलग अलग कल्चर है ना, फूड हैबिट अलग है सबकी, तो हम सबको जो है उन सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाहे डिफरेंस है बट हमें एक साथ रहना चाहिए, और हर चाहे वो कास्ट है, रिलीजन है, फूड हैबिट है, लैंग्वेज है, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट रीजन्स एंड देयर कल्चर, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट देयर फूड हैबिट, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कस्टम एक्सेट्रा। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी विच इज़ गिवन हियर। इन भोगपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन लिव इन हार्मनी। सो यहाँ पर पंजाब स्टेट की बात हो रही है, और पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भोगपुर। तो वहाँ पर अलग अलग कास्ट के लोग और अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ हार्मनी में रहते हैं, मतलब पीसफुली रहते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ पिक्चर मैप ऑफ सॉरी दिस इज़ अ मैप ऑफ पंजाब। There are no sign of any discrimination among different communities. So, यहाँ पर क्या है, किसी तरह का कोई discrimination नहीं है। Discrimination unequal treatment means वहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता among different communities. So, what is community? Community means a people living in one particular area and who consider themselves as a unit because of their common interests, language, food, custom and tradition. Community उसको बोलता है जहाँ पर कुछ लोग एक particular area में रहते हैं और उनके क्या है, common interest है, ठीक है, उनकी food habit common है, उनका जो custom है वो कॉमन है, लैंग्वेज कॉमन है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड द पिक्चर ऑफ अ कम्युनिटी। डियर स्टूडेंट, दिस इज अ मैप ऑफ पंजाब, एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अनजस्ट ट्रीटमेंट, किसी के साथ भी भेदभाव करना, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो, मेल और फीमेल को लेकर हो, ठीक है, किसी के लुक को लेकर हो, लुक्स को लेकर हो, या किसी की जॉब को लेकर हो। ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड हु कंसिडर एज अ यूनिट बिकॉज ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट, लैंग्वेज, फूड हैबिट। ठीक है, जैसे कि जहाँ पर हमने पंजाब का मैंने एग्जांपल लिया है कि एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, उनकी कॉमन इंटरेस्ट है, उनकी फूड हैबिट सेम रहती है, सो इसको हम कम्युनिटी बोलते हैं, जहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोग रहेंगे और जिनकी लैंग्वेज, फूड हैबिट, ठीक है, कॉमन रहती है। होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। तो हमने पंजाब का एग्जाम्पल लिया, और यहाँ पर बता भी रहे हैं पंजाब की स्टोरी में कि क्या हो रहा है, कि भोगपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, वहाँ पर बहुत से कास्ट और रिलीजन के लोग बहुत पीसफुली रहते हैं, एंड देयर इज़ नो साइन ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग डिफरेंट कम्युनिटी, और यहाँ पर किसी तरीके का किसी के साथ कोई भी कम्युनिटी को लेकर भेदभाव नहीं होता है। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक पंजाबी, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी एक्सेट्रा। और इस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है। फॉर एग्जांपल पंजाबी बोली जाती है, हिंदी बोलते हैं लोग, उर्दू बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, और अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। दे सेलिब्रेट्स मैनी फेस्टिवल टुगेदर लाइक दीपावली, होली, ईद, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती एक्सेट्रा। और ये एक साथ मिलकर बहुत सारे फेस्टिवल साथ में मनाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, या होली भी सेलिब्रेट करते हैं, ईद भी करते हैं, गुरु नानक जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं सब लोग मिलकर, महावीर जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर सब कैसे रहते हैं? एक दूसरे के साथ हार्मनी में। पीपल वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस, और यहाँ पर लोग जो हैं अलग अलग तरह की ड्रेसेस भी पहनते हैं। द विमन वेयर सलवार कमीज, जो लेडीज़ हैं विमेन्स वगैरह पहनती हैं सलवार कमीज, साड़ी एंड लहंगा चोली। ठीक है, तो यहाँ पर हर तरह के ड्रेसेस जो है विमेन पहनती हैं, सलवार कमीज भी पहनती हैं, कुछ लेडीज साड़ी पहनती हैं, कुछ लहंगा चोली पहनती हैं। द मैन वेयर कुर्ता पजामा, तहमत मीन्स लुंगी, कमीज, सलवार कमीज और पैंट शर्ट। और इसलिए जो रीज़न है यहाँ पर क्या है, जो मैन है क्या पहनते हैं? कुर्ता पजामा, तहमत लुंगी कमीज़ पहनते हैं, सलवार कमीज़ भी पहनते हैं और पैंट शर्ट भी पहनते हैं। मोस्ट पीपल देयर आर वेजिटेरियंस बट दे रिस्पेक्ट दोज हु इंजॉय नॉन वेजिटेरियन फूड्स। लाइक यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस डिस्ट्रिक्ट में वो क्या है? वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन आपको हमें पता ही है, वेजिटेरियन कौन लोग होते हैं? जो कि वेजिटेबल्स खाना प्रेफर करते हैं, बट वो रिस्पेक्ट करते हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो चिकन मटन खाते हैं उनकी उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, नहीं, अगर वो वेजिटेरियन है तो वो साथ में उनको भी रिस्पेक्ट करते हैं जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। इन दिस स्टोरी वी हैव रेड डेट के पीपल कितनी हार्मनी में एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। और एज वी ऑल नो एट आवर प्लेस, जैसे कि हम यहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर भी हम लोग अलग अलग धर्म रिलीजन कास्ट के लोग रहते हैं, और हम भी बहुत ही पीसफुली रहते हैं। और सारे फेस्टिवल लाइक दिवाली, होली, ईद, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती, ये सब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना, तो मैं बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि नाहन एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब लोग बहुत पीसफुली रहते हैं और सभी फेस्टिवल को हम बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कैसे एक रीजन में अलग अलग जगह के लोग रहते हैं, बट वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे के रिलीजन की, कास्ट की, लैंग्वेज की, ड्रेसेस की। ठीक है, किसी पे कोई हंसता नहीं है। ठीक है, सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, एज वी ऑल नो इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आर कंट्री हैव डिफरेंट फूड हैबिट, ड्रेसेस, लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम एंड ट्रेडिशन। ये इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और अलग अलग रीजन्स में जो है लोग रहते हैं, तो उनकी क्या है, अलग अलग हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स अलग हैं उनकी, ड्रेसेस अलग हैं, लैंग्वेज अलग हैं, रिलीजन भी अलग है, कास्ट और ट्रेडिशन भी अलग है। द फूड हैबिट ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन डिपेंड अपॉन द लोकेशन, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ग्रोन। सो एज वी रेड इन द फोर्थ क्लास, कि जहाँ जिस सीज़न में भी हम रहते हैं वहाँ की जो फूड हैबिट्स होती है वो किस पर डिपेंड करती है? लोकेशन पर, कि हम किस जगह पर रहते हैं, मीन्स हिली एरिया में रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्लाइमेट कैसा है, हॉट क्लाइमेट है या कूल क्लाइमेट है, या वहाँ पर कौन सी
क्रॉप उगाई जाती है, ठीक है। तो जो फूड हैबिट है किसी भी जगह की, वो किस पर डिपेंड करती है, लोकेशन के ऊपर, ठीक है, क्लाइमेट के ऊपर, और क्रॉप कौन सी वहाँ पर उगाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो राइस इज़ कल्टिवेटेड वाइडली इन साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप ग्रोन होती है, राइस। हैंस राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल दिया, सो अगर वहाँ पर साउथ इंडिया में ज़्यादा राइस ग्रो होगी तो वहाँ के लोगों की स्टेपल डाइट क्या होगी, राइस ही होगी। दे कुक एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ राइस डिशेज, और वो उस राइस के साथ बहुत ही अमेजिंग डिशेज बनाते हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी फूड आइटम्स बनाते हैं राइस के साथ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा क्या मिलता है, राइस ही मिलता है, ग्रो भी वही होता है, लोगों का जो स्टेपल डाइट है वही राइस है, तो वो अलग अलग तरह के राइस डिशेज बनाते हैं। आमंड्स ग्रोन इन कश्मीर एंड देयरफॉर फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ मैनी कश्मीर डिशेज, सो जो आमंड्स हैं वो कहाँ ग्रो होते हैं, कश्मीर में, तो इसलिए जो जितने भी इंग्रेडिएंट, जितने भी कुछ फूड बनाते हैं तो उनका मेन इंग्रेडिएंट जो मसाला है उसमें, जो भी वो खाने में कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं उसमें जो आमंड्स को जरूर यूज़ करते हैं। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि हम जहाँ पर भी रहते हैं तो वहाँ की जो फूड हैबिट है वो किस पर डिपेंड करती है, लोकेशन पे, क्लाइमेट पर, और जो वहाँ पर क्रॉप ग्रोन होती है। तो हमने यहाँ पर टू एग्जांपल पढ़े हैं, एक साउथ इंडिया का और दूसरा कश्मीर का। तो साउथ इंडिया में क्या है, राइस ग्रो होता है, तो वहाँ की स्टेपल डाइट क्या रहेगी, राइस ही रहेगी, और कश्मीर में क्या होता है, आमंड्स ज़्यादा मिलता है, तो अभी फूड में किसको यूज़ करेंगे, आमंड्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे, टुमारो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।